हे गाइस, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में फ्रेंड्स हमारे पास है Realme का Narzo 50i। अगर आप इस फोन में फेस लॉक लगाना चाहते हैं तो मैं आपको बताने वाला हूं इस फोन में आपको कैसे फेस लॉक का सेटअप करना है और कैसे फेस लॉक की आप सेटिंग भी कर सकते हैं। आपको सब कुछ जानना है तो फ्रेंड्स वीडियो को देखते रहिए। चलते हैं फोन की सेटिंग के अंदर। फोन की सेटिंग को सबसे पहले ओपन कीजिए। आपको यहां से फिर हल्का सा स्क्रॉल करना पड़ेगा। स्क्रॉल करके आपको देखने को मिलेगा सिक्योरिटी, इस पर क्लिक कीजिए। अब आपको सबसे पहले तो इस फोन में स्क्रीन लॉक सेट करना होगा, इसके बाद ही आप इस फोन में फेस लॉक को लगा पाएंगे। तो हम आपको बताते हैं स्क्रीन लॉक कैसे सेट करना है। स्क्रीन लॉक पर क्लिक करेंगे, यहां पे आप देख सकते हैं तीन टाइप से अपने स्क्रीन को आप लॉक कर पाते हैं। पहला तो है आपका पैटर्न, पिन और पासवर्ड। जो भी आपको इस फोन के अंदर सेट करना है स्क्रीन लॉक के लिए वो आपको सेलेक्ट करना होगा। पैटर्न लॉक के लिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी आपको करना है कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, दो बार आपको पैटर्न ड्रॉ करना पड़ेगा, कंटिन्यू करना है। अब आपको यहां पर देखने को मिलेगा आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस। यहां आपसे पूछा जाता है जो आपकी लॉक स्क्रीन है उस पर आप नोटिफिकेशन को शो कराना चाहते हैं, तो यहां ऑलरेडी सेलेक्टेड है। नहीं कराना चाहते तो डोंट शो पर क्लिक करके आपको डन कर देना होगा, तो आपको लॉक स्क्रीन पर कोई नोटिफिकेशन शो नहीं कराई जाएगी। अब आपको बता दें फेस अनलॉक इस फोन में आप कैसे सेटअप करेंगे। आपको देखने को मिलेगा फेस अनलॉक, यहां क्लिक कीजिए। जो भी आपका स्क्रीन लॉक लगाया था आपने, अभी आपको वो लगाना है। आपको मोड पर क्लिक करना है और एग्री करना है। इसके बाद आपको यहां पे स्टार्ट करना होगा। स्टार्ट जैसे ही करते हैं फ्रेंड्स तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। कैमरा ओपन होते ही आपका ये फेस इस तरीके से ले लेगा, तो देख सकते हैं यहां आपको कुछ इस तरीके से दिखा दिया जाएगा। आपको फिर डन करना है। तो हमारा फेस अनलॉक इस फोन में लग चुका है। यहां पे आप सेटिंग भी कर सकते हैं फेस अनलॉक की, इस तरीके से इस पर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं जब फेस को अनलॉक कराएंगे तो ये डायरेक्ट अनलॉक होना शुरू हो जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।